This is MDL Striker, and today's video topic is, as you see on our interface, what is this? This is football. और आज की इस वीडियो में हम इसको बेसिक तरीके से बनाना सीखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ हम स्टार्ट करेंगे और बनाना सीखेंगे. बहुत ही सिंपल है. आइए आप बना के दिखाते हैं कैसे एनएक्स में हम छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा फुटबॉल बनाना सीखेंगे. बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम फुटबॉल बनाना सीखेंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरफेस पे, दो तरीके से मैंने फुटबॉल का डिज़ाइन बनाने का प्रयास किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फुटबॉल. तो इसको हम छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा बनाना सीखेंगे. बहुत ही सिंपल है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एक हम नया फेस लेते हैं. प्लेन पे लेके सबसे पहले जो फुटबॉल का डिजाइन होता है उस डिजाइन टाइप का एक पॉलीगॉन बनाते हैं. ये पॉलीगॉन लेते हैं. पॉलीगॉन में हम पांच साइड लेंगे. नंबर ऑफ साइड्स, देयर इज नंबर ऑफ साइड्स. तो इसको हम पांच साइड लेते हैं. ओके, वन, एक छोटा और एक इससे बड़ा बनाते हैं, इसका डबल. ओके, ये हमारा इसको डायमेंशन दे देते हैं. डायमेंशन लिए इसको 60, इसका डबल 120. इसको हम पॉइंट ऑन कर्व करके, अभी देखिए हमारा यहाँ पे स्केच इज फुली कॉन्स्टेंट हो गया. इसको ओके करते हैं. ओके, अभी अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं. बड़े वाले को एक्सट्रूड करते हैं. इसको एक्सट्रूड करते हैं. ओके, और इसको सीट में लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर अपने को वर्क करना है. सीट में रहते हैं. इसके बाद एक दूसरा स्केच डेवलप करते हैं दूसरे प्लेन पे. ओके, ये सेंटर और ये जो एक्सट्रूड बनाए हैं उसके एज पे इसको करते हैं. ओके, और डायमेंशन इसका देते हैं. डायमेंशन इसका जो डायमेंशन है इसके बराबर रहेगा. तो इसको हम इस लाइन के इक्वल कर देंगे. ओके, गलत दिखा रहा है. तो इसको डायमेंशन देता हूँ. इसका डायमेंशन 60 mm. ओके, ओके, अभी इसको अब वापस एक प्लेन डेवलप करते हैं. प्लेन हम टू लाइंस को लेके प्लेन बनाते हैं. ये लाइन और ये लाइन को मिलकर एक प्लेन बनाते हैं. ओके, प्लेन, अब इस प्लेन पे स्केच. ओके, वापस से हम पॉलीगॉन बनाते हैं. लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम पॉलीगॉन बनाए थे ये फर्स्ट वाला, तो हम 5 साइड रखे थे. लेकिन दूसरे वाले में हमको मैक्सिमम करना है कि 6 साइड होना चाहिए. तो हम एक 6 साइड का पॉलीगॉन बनाते हैं. ओके, और इसको ये स्केच से कॉन्स्टेंट करते हैं. ये पॉइंट से पॉइंट और ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये कॉन्स्टेंट हो गया. और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा स्केच चीज फुली कॉन्स्टेंट दिख रहा है. ओके करते हैं, ये चीज हमारा बन गया. इसको अभी करते हैं हाइट. वापस से एक कर्व लेते हैं यहाँ से, ये इस पॉइंट से सेंटर से मिडिल. ओके, और वापस से ये पॉइंट से ये सेंटर. अब फिर हम एक प्लेन लेंगे. ये लाइन और ये लाइन को मिलके एक प्लेन लेंगे. ओके, और इस पे हम एक स्केच बनाएंगे ये प्लेन पे. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है. एक बार अगर क्लियर आप समझ गए तो बहुत ही सिंपल है. ये प्लेन पे हम एक स्केच बनाएंगे. ये लाइन के पॉइंट्स हैं. ओके, अब हम इस लाइन को इस लाइन के परपेंडिकुलर कर देंगे. ये लाइन के परपेंडिकुलर कर देंगे. हमारा स्केच थोड़ी कॉन्स्टेंट हो गया. अभी इसको कर देंगे ओके. ये हमारा एक बन के रेडी हो गया. अभी वापस सिर्फ हम इसको रखते हैं. नहीं, अभी हम इसको सरफेस में चलते हैं. सरफेस में चलने के बाद एक बॉडी डेवलपमेंट करते हैं. तो सरफेस में हम इसको पकड़ते हैं और एक पॉइंट देते हैं. पॉइंट हम यहाँ से पॉइंट ऑन कर्व ऑन रख के ये पॉइंट. ओके, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है खास थ्रू कर्व या स्वेप्ट जो भी ऑप्शन हम यूज करते हैं, तो ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो प्रिजर्व शेप है ये हमारा ऑन रहना चाहिए. ये हमेशा बाई डिफॉल्ट ये ऑन नहीं रहता है तो हमें इसको ऑन करना पड़ता है. तो
ऑन कर दिया, इसको कर दिया ऑन किया, वापस से इसको हम करते हैं एक और ये वाले को, और यही वापस से वही पॉइंट देते हैं। ये दो चीज़ हमारा बन गया रेडी हो गया। अभी हमारा सब स्केच और डेटम प्लेन को हाइड करते हैं। ये हमारा सीट स्केच कर डेटम प्लेन पॉइंट सब हाइड करते हैं। ये दो चीज़ बन गया। अभी हम एक राउंड बनाते हैं। राउंड बनाने के लिए हम एक स्फेयर लेते हैं यहाँ से स्फेयर, और यही पॉइंट से हम स्फेयर बनाते हैं। तो उसका डायमेंशन देते हैं 250। ओके, ये 250 हो। इसके बाद जैसा कि ये फ्लैट है तो इसको ये राउंड के आकार में लेने के लिए हम इंटरसेक्ट करते हैं। इससे इसको हटा देते हैं, कीप टूल हटा देते हैं। ओके, वापस से हमें एक और सेम डायमेंशन का एक और लेके इंटरसेक्ट करते हैं, इससे इसको हटा देते हैं। ओके, अभी ये दो बॉडी हमारे पास रेडी हो गया। अब इसको हम रेडियस देते हैं एज पे, ताकि फुटबॉल का शेप आ सके, बेहतर शेप आ सके, ज्वाइंट शेप आ सके। यहाँ पे रेडियस दी, रेडियस हम 1.5 कर देंगे। ओके, इसको ओके कर दिया। अभी इस चीज़ को, ये दो बॉडी हमारे पास रेडी हो गया, इस बॉडी से हम अब पैटर्न और मिरर करके पूरा फुटबॉल डिजाइन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे कैसे इसको करते हैं। ये दोनों बॉडी को यहाँ से पैटर्न करते हैं, 1 2 दोनों बॉडी को पैटर्न करते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ पे हम काउंट एंड पिच रखेंगे। पिच काउंट हमें 5 टाइम हमको घुमाना है, और पिच एंगल जो है वो 72 है। 72 ही क्यों है, क्योंकि 360 डिग्री हमको घुमाना है, लेकिन 5 राउंड में उसको घुमाना है। तो 360 डिवाइड बाई 5 तो 72 आता है। तो एंगल जो है हम 72 के एंगल में 5 बार उसको घुमाते हैं। तो इसके लिए पीछे एंगल 72, ये हमारा हो गया। ओके, अभी ऐसा शेप आया। अभी ये तो ऊपर का शेप हो गया। अभी नीचे का शेप लाने के लिए एक और इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो ट्रिक हम फॉलो करते हैं। देखिए, अभी जो हम स्केच बनाए थे ये वाले स्केच को वापस ले लेते हैं, और फिर पैटर्न करते हैं। अभी सेंटर वाले बॉडी को वेक्टर जो है ये वाले लाइन से ये वेक्टर देंगे, और इसको दो बार और यहाँ पे 120 का एंगल देके उसको घुमाएंगे, तो ये एक बॉडी हमारा बनेगा ऐसा। ओके, अभी ये एक नया बॉडी हमारे पास ऐड हुआ। एक और बॉडी हम नया ऐड करते हैं, ये बॉडी को हम मिरर करते हैं ये फेस से। ये फेस हम लेके ये फेस से मिरर करते हैं। ये हमारा दो न्यू बॉडी डेवलप हुआ, 1 2 1 2। तो ये दोनों बॉडी को अब हम वापस से मिरर पैटर्न घुमाते हैं, 1 और 2। ये दोनों बॉडी को सेंटर से पैटर्न करते हैं, वो भी कितना, तो 5 टाइम, और पिच एंगल हमारा हो गया 72। ये हो गया। ओके, अभी हमारा हाफ फुटबॉल डिजाइन हो गया। इन जस्ट 5 मिनट्स हमारा हाफ फुटबॉल डिजाइन हो गया। अभी सिंपल हम इसको मिरर करके और सेटल कर सकते हैं। तो चलिए आगे का मिरर और सेटल करते हैं इसको। तो मिरर ज्योमेट्री लेते हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉडी है, उसको हम अभी मिरर करना है। मिरर हम कौन से प्लेन से करेंगे, तो मिरर करने के लिए हम इसमें प्लेन एक सिलेक्ट करेंगे। या तो पहले से आप प्लेन डेवलप करके रखें लेके, अदरवाइज आप प्लेन नहीं लिए हैं तो यहाँ से भी आप प्लेन ले सकते हैं। प्लेन हम लेते हैं पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट एंड डायरेक्शन लेते हैं। तो हम पॉइंट चूज करते हैं, ये पॉइंट चूज करते हैं, और डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, ये हमारा ओके कर देते हैं। हमारा फुटबॉल रेडी हो गया। बट अभी इसका शेप जो है वो बराबर नहीं है, तो जो जो सब बॉडी को हम मिरर किए हैं उस बॉडी को हम मूव करके एंगल में घुमा के सेटल करते हैं। तो चलिए करते हैं कंट्रोल टी, मूव करते हैं, और जो मिरर किया हुआ पार्ट से सब उसको सेलेक्ट करते हैं, 16 पार्ट्स को। इसके बाद एंगल देते हैं वेक्टर, और एंगल हम 36 का, क्योंकि 72 का हाफ होता है 36, तो 36 घुमाएंगे तो एक दूसरे के अंदर वो फिट बैठेगा। ओके कर देंगे, तो ये हमारा देखिए फुटबॉल पूरा फिट बन के रेडी हो गया। अभी हम इसको स्केच कर कोऑर्डिनेट सब हाइड कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ बॉडी है। अभी फुटबॉल कम्प्लीटली बन के ओके है। अभी सबको हम यूनाइट कर देते हैं, सब बॉडी को, जैसा कि हमारा यूनाइट हो गया। अभी
अभी देखिए हमारा कंप्लीट बॉडी ये हो गया, यूनाइट हो गया, अभी एक बॉडी हो गया। अभी इसको हम कलर देते हैं, सबसे पहले पूरे बॉडी को वाइट कलर देते हैं। ओके ओके, इसके बाद कलर देने के लिए कंट्रोल जे फेस सेलेक्ट करते हैं, ये फेस, फिर 1 2 3 4 5 वापस से सेम सेंटर 1 2 3 4 5। अभी हमारा ये देखेंगे तो कंप्लीट हर तरफ से कलर हो गया, इसको हम कलर दे देते हैं। जो कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं, येलो दे देंगे, देखिए तो ये हमारा येलो फुटबॉल बन गया। अगर रेड दे देते हैं तो रेड वाइट फुटबॉल बन गया। ब्लैक दे देते हैं तो ब्लैक रखते हैं, सिंपल ग्रीन कंप्लीट ब्लैक, तो ये हमारा फुटबॉल बनके रेडी हो गया। देखिए आप, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से हमने ये फुटबॉल बनाना सीखा। तो ऐसे ही और सारी नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ताकि आपको और हमें सीखने को कुछ मिले। तो ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो और बनाना चाहिए, सजेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।